धर्मीय अभियानु राजस्थान रे राजनैतिक यात्रा आरंभ करिछि बीजेपी। भिलवारा रे भगवान देवनारायणंकर 111तम जन्मोत्सव रे मुख्य अतिथि भावे सामिल होई गुजर संप्रदाय को निज पक्ष को आणिबाकु चेष्टा करिछंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। बीजेपी नेतृत्वाधीन सरकार नेतिबा विभिन्न विकासमूलक योजना को हाइलाइट करिछंती से। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମୀୟ ଅଭିଯାନରୁ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ ତାର ଯାତ୍ରା। ଗୁଜର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଖୁସି କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭିଲୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ମାଲେଶ୍ୱରୀ ଡୁଙ୍ଗରିରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଦେବନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କରିଛନ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭାବେ ସେ ଦେବନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବା ସହ ଭଗବାନ ଦେବନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। मेरे लिए ये भी सौभाग्य का विषय है कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को आज आपके बीच आकर के भगवान देवनारायण जी का और उनके सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने का ये पुण्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवनारायण और जनता जनार्दन दोनों के दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया हूं। गुज्जर मानकर आराध्य देवता भगवान देवनारायण को 111तम जयंती अवसर रे भिलवारा जाइथिले प्रधानमंत्री। नौटी राज्यरु संप्रदायर लोके मालाशरी डुंगरी आसीथिबा बेले अवतारणा महोत्सव रे मुख्य अतिथि थिले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। दशम शताब्दी में जन्मग्रहण करिथिबा देवनारायण भगवान विष्णु को अवतार बोली गुजर संप्रदायर विश्वास रही, तेणु धर्मीय भावना जाग्रत कराई पूरा संप्रदाय को प्रीति करिबा को चेष्टा करिछंति प्रधानमंत्री। दशम शताब्दी में भगवान देवनारायण नीति और आदर्श को सबका साथ सबका विकास सह तुलना करिछंति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। भाई और बहनों, भला जी भला, देव भला, भला जी भला, देव भला, इसी उद्घोष में भले की कामना है, कल्याण की कामना है। भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया है वो सबके साथ से सबके विकास का है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। बीते 8-9 वर्षों से देश समाज के हर उस वर्ग को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है जो उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है। वंचितों को वरीयता, इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। भगवान देवनारायण का अवतरण उत्सव में निज सरकार रो बजा बजाई छंती प्रधानमंत्री। पानी जल जोगाण एवं कृषि और कृषक समाज रो उन्नति पाई नीतिया विभिन्न विकासमूलक पदक्षेप को हाईलाइट कर छंती प्रधानमंत्री। 16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बीते 3.5 वर्षों के भीतर देश में जो प्रयास हुए हैं उसकी वजह से अब 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुक लगा है। देश में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए भी बहुत व्यापक काम देश में हो रहा है। सिंचाई की पारंपरिक योजनाओं का विस्तार हो,
या फिर नई तकनीक के सिंचाई, किसान को आज हर संभव मदद दी जा रही है। शुक्रवार राजस्थान भीलमाल रे मध्य एक धार्मिक कार्यक्रम रे जोग देथिले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नीलकंठ महादेव मंदिर आयोजित कार्यक्रम रे जोग दे सनातन धर्म ही जातीय धर्म बोली कहिथिले। एथिसहित अयोध्या राम मंदिर शैली रे देशर सबु धर्मीय पीठर पुनरुद्धारवा दरकार बोली कहिथिले योगी आदित्यनाथ। हम सबको अपने दैनिक जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा, हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। खूब शीघ्र हेबाकु जाउची राजस्थान विधानसभा निर्वाचन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं पूर्वतन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को नहीं कांग्रेस रे टेंशन। सचिन पायलट एवं एकाएका प्रचार लागि पड़ता बेले धर्मी अभियान रु बीजेपी आरंभ करिछि तार राजस्थान यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।